चलो अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? देखो इस फॉर्म के होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, देखो क्या है, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डैट मीन्स जितने भी एक्सप्रेशंस मिलेंगे वो इसी के फॉर्म के होंगे, बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। क्योंकि यहाँ देखो जितने हो सकते हैं हमने लिखे हैं, सब को उनसे कंपेयर करोगे उसके साथ तो वो ऐसे ही दिखेंगे। दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स अगर हम कैसे पहचानेंगे कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक, तो इसी से हम लोग मैच कराएंगे, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे वो कैसा होना चाहिए। कोई कुछ भी लिखा हुआ है तो देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जो वेरिएबल है वो उसकी पावर 2 होगी और उसके बाद उसी वेरिएबल की पावर 1 हो जाएगी, फिर एक नंबर आएगा। देखो जैसे यहाँ पे वेरिएबल k है तो k वेरिएबल की पावर 2 है, फिर k पावर 1 है, फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट है। और स्क्वायर वेरिएबल के बगल में जो नंबर होगा उसे हम a बोलेंगे। स्क्वायर के बगल में जो नंबर होगा, कोफिशेंट जो होगा उसे हम लोग a बोलेंगे, और x के बगल में जो कोफिशेंट होगा उसे हम लोग b बोलेंगे, और c जो अकेला एक नंबर होगा कांस्टेंट उसे हम c बोलेंगे। इस तरह कंपेयर कर लेंगे तो अगर उसके जैसा है तो हम समझ जाएंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो इसको फैक्टर करने का एक मेथड है, उसी मेथड से हम लोग इसको फैक्टर कर देंगे। वो मेथड क्या है? मेथड है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें इसे फैक्टर करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करें, इसके लिए हम लोग यहाँ पहले सीखते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे लेवल 1, 2 और 3। इससे ज़्यादा टाइप के तुम्हें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं मिलेंगे, इससे डिफ़िकल्ट। और तुम अगर इनको कर ले रहे हो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फैक्टराइज करने में तुम एबल हो जाओगे, तुम समर्थ हो जाओगे। तो चलो देखते हैं, पहले ये समझ में आ गया है ना कि तुम कैसे पहचानोगे क्वाड्रेटिक है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी से पहचानेंगे। ठीक, तो चलो फर्स्ट टाइप का देखो, ये रहा फर्स्ट टाइप का। इसको हम लोग सबसे सिंपलर, ये सिंपलेस्ट है, तो इसको करने का तरीका क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो, तो करना क्या है, तुम्हें ए और बी और सी पहचानना होगा। वहाँ से कंपेयर करके ए कैसे पहचानोगे, स्क्वायर के बगल में जो कोफिशिएंट है वो ए होगा, और पावर 1 जो वेरिएबल है उसके बगल में वो बी होगा, और अकेला एक जो नंबर होगा वो सी होगा। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, ए इंटू सी, ये तुम्हें करके चेक कर लेना है। ए इंटू सी, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो कुछ भी है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 into 6, तो करेंगे हम 1 into 6, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहेंगे ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और यहाँ पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे ऐड करने पर ये मिडिल टर्म आया, मिडिल टर्म डेट मीन्स 5 आए। तो उसी मिडिल टर्म को उन दो नंबर में हम स्प्लिट करेंगे। पहले नंबर पहचानो, कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, और ये प्लस बता रहा है कि ऐड करने पर ये मिडिल टर्म डेट मीन्स 5 आता है। तो हम गेस कर सकते हैं 2 और 3, 3 2 6 है ना, 3 है और 2 है, मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, और ऐड करोगे दोनों को तो ये मिडिल टर्म आ जाएगा 5। तो तुम्हें क्या करना है, इस मिडिल टर्म को इन्हीं दो नंबर्स में स्प्लिट कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। तो जैसे ब्रेक करके अब चलो लिखते हैं, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को पहले लिख लो, और ब्रैकेट में 5 को इन दो नंबर के स्प्लिट फॉर्म में लिखो, दैट मीन्स 3 + 2 + 6। ठीक, अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ 3x, फिर इसके साथ 2x + 6। अब क्या करें, दो दो के पेयर, हमने दो दो के पेयर करने सीखे हैं फैक्टराइजेशन में, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन हम लोग समझ चुके हैं, कॉमन क्या होता है, अगर प्रीवियस वीडियो तुमने देखी है तो एक्स यहाँ दोनों में है SCF, तो एक्स हम ले लेंगे, और इस एक्स से जब एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, इस एक्स से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो ये हो गया। प्लस यहाँ पे 2 है दोनों में SCF, 2 ले लिया, 2 से इसको डिवाइड किया तो एक्स हो गया,
2 से फिर इसको डिवाइड किया तो 3 हो गया। ये स्टेप तो हमने सीखा हुआ है फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ 2 टर्म्स हो गए हैं, एक टर्म ये एक टर्म ये, इन दो टर्म्स में कौन सा कॉमन है, कौन है HCF जो ब्रैकेट में है। देखो ये भी x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, तो x प्लस 3 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया x प्लस 3 बाहर हो गया, तो बचे हुए ब्रैकेट में जो हमने सीखा है ये कॉमन लिया ना तुमने x प्लस 3, ये कैंसिल हुआ तो इस ब्रैकेट में x बचा, प्लस फिर इसी HCF से ये कैंसिल हुआ तो ये 2 बचा, तो ये फैक्टराइज हो गया। ये ब्लू पार्ट क्या किया हमने, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इसका इस मेथड का नाम है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। किसको फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं किस मेथड से, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, अब देखो ये सेकेंड, ये भी ऐसा ही है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर माइनस आ गया है, तो माइनस में क्या होगा, पहले हम ए इंटू सी करते हैं, ए इंटू सी चेक करो, ए कितना है यहाँ पे, स्क्वायर के बगल में जो होगा कोफिशियंट वो ए होगा, वो 1 है, अभी यहाँ कुछ नहीं है ना, 1 है, फिर ये सी क्या है, देखो जो अकेला नंबर है वो सी है, माइनस 45 है वो, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 45। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 45 आएगा, और ये माइनस क्या बता रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ तो क्या बताया था, ऐड करने पर, प्लस का साइन माइनस का साइन ही बताएगा कि तुम्हें यहाँ ऐड करना है मिडिल टर्म में, जैसे यहाँ ऐड किया था ना, या सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस साइन इसलिए कहेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। तो बताओ ऐसे दो नंबर बताओ जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिडिल टर्म दैट मीन्स 4 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पर 45, तो 9 5 45 आएगा। देखो 9 है और 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 भी आएगा, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 भी आएगा, तो ये वो दो नंबर कौन है, 9 और 5। तो मिडिल टर्म को इन्हीं दो टर्म्स में हम स्प्लिट कर लेंगे, तो स्क्वायर माइनस, अब क्या करें, डी लिख दें और इन दो नंबर में स्प्लिट कर दें, 9 माइनस 5 और माइनस 45। अब यहाँ क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, तो डी स्क्वायर माइनस 9D प्लस माइनस माइनस प्लस 5D, ये हो गया, और माइनस 45। चलो अब इन दोनों में दो दो का पेयर करेंगे हम लोग, इसमें क्या फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, डैट मीन्स HCF डी है, डी कॉमन लिया तो यहाँ पे इसे डिवाइड किया, डी माइनस 9 बचा, प्लस यहाँ पे क्या मिला, 5, तो 5 कॉमन मिल दोनों में है ना HCF, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 डी बचेगा, 5 कैंसिल, माइनस 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा। अब फिर से दो कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे, 2 टर्म्स, ये और ये, और दोनों में क्या चीज़ HCF है जो दोनों में हो, डी माइनस 9, तो डी माइनस 9 हम लोग बाहर करेंगे, डी माइनस 9 बाहर किया, और जैसे डी माइनस बाहर किया तो अगले ब्रैकेट में इसको डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा वो लिखेंगे, प्लस फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, तो ये हो गया फैक्टर, डी माइनस 9 इंटू डी प्लस 5, इस एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर हुए। ठीक, अब इसी तरह ये देखो थर्ड वन करते हैं, इसी टाइप का है, इसी ग्रुप में ये थर्ड वन, कोई अंतर नहीं है, देखो बस सीक्वेंस चेंज कर दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर उधर लिखा है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे इसको पहले लिख लें, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, और a इंटू सी बस करने से मतलब है, a इंटू सी, देखो a कौन होगा जो x स्क्वायर के बगल में कोफिशियंट होगा, तो माइनस 1 है, माइनस 1 है, c कौन है जो अकेला एक नंबर है कांस्टेंट 48, तो 48 c है, क्या मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, माइनस 48, ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 48 हो और सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म कौन होता है, जो पावर 1 वाले वेरिएबल, जैसे एक स्क्वायर है ना, तो जो x होता है वो मिडिल टर्म होता है, दैट मीन्स पावर 1 जहाँ पे होती है वो मिडिल टर्म होता है, तो 2 आना चाहिए, तो मिडिल टर्म 2 आना चाहिए, तो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाए और माइनस क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए, तो क्या है वो, 8 6 है ना, 8 6 48 होता है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म भी आ जाएगा, तो इन्हीं दो टर्म्स में हम लोग देखो
अगर हम लोग 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये माइनस बताता है कि माइनस करना है कि प्लस करना है यहाँ वाला, इसलिए a इंटू सी हमेशा हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसी में ब्रेक कर लो तुम, 48 प्लस x और मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं किस में, 8 माइनस 6 में, 8 माइनस 6 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लो, 48 प्लस 8x माइनस 6x और माइनस एक्स स्क्वायर। अब दो दो टर्म्स में इनको दो टर्म्स में क्या करेंगे हम लोग, पेयरिंग कर लेंगे। अब एक में से एक कॉमन लो, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 8 मिल रहा है, दोनों में है ना 8, तो 8 से इसको डिवाइड करोगे 6 क्या बचेगा, फिर 8 से इसको डिवाइड करोगे x बचेगा, माइनस यहाँ पे 6 क्या मिल रहा है, x, दोनों में x, माइनस x ले लिया, तो x से इसको डिवाइड किया क्योंकि नेगेटिव लिया है तो ये पॉजिटिव बने बचेगा 6, और फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव बचेगा, x से x डिवाइड होगा, एक x बचेगा। अब दो टर्म्स इसमें हैं, दो टर्म्स में कौन है, ब्रैकेट वाला जो टर्म है वो कॉमन है ना, ये हम जानते हैं, सीख चुके हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि नीचे में भी कैमरे में ना आ रहा हूँ तो यहाँ कर देते हैं। तो क्या ले लिया, दोनों टर्म्स में से 6 प्लस एक्स ले लिया, और जब 6 प्लस एक्स लिया तो 6 प्लस एक्स से इसको डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है, माइनस, फिर इसी से हम लोग दूसरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा उसको यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो 6 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स, ये दो फैक्टर हुए इस क्वाड्रेटिक के, ओके। अब चलो यहाँ चलते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है लेवल टू में कि देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया है, तो हमें सोचने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तुम देखते हैं अगर बड़ा नंबर होगा तो कैसे सोचेंगे दो नंबर के बारे में। जैसे देखो a इंटू सी यहाँ करो, a इंटू सी करो, a कौन है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो कोफिशियंट 1 है, 1, और c कौन है, ये बड़ा नंबर है माइनस 176। अब देखो ये इतना बड़ा नंबर आ गया कि सोचने में लग रहा है कि कैसे सोचें कि कौन दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 176 आएगा, है ना। तो इसका मेथड ये है कि तुम 176 और यहाँ माइनस 176 आएगा, है ना, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 176 आए, और ये माइनस क्या बता रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिडिल टर्म आ जाए। तो पहले दो नंबर पता कैसे करें इतने बड़े नंबर्स में, है ना। तो इसका तरीका ये है, ये देखो 176 को फैक्टर कर दो, तो 2 8 16 और 2 8 16, फिर यहाँ पे 4 4 2 2 11 और फिर 11 1, इन्हीं में तुम्हें वो दो नंबर मिल जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आएगा। तो देखो यहाँ पे कौन है, 2 2 4 2 8 और 11 2 22 में से 8 जाएगा तो 5 तो नहीं आएगा, है ना। अगर ये 8 लोगे और ये 22 लोगे और ये 8 लोगे तो 22 और 8 मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा ही, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर 5 नहीं आएगा। तो कोई और सोचो, और क्या हो सकता है, 2 2 4 2 8 2 16, यहाँ से यहाँ तक देखो कितना आ रहा है, 16, और ये अकेला क्या है 11, 16 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आना ही है क्योंकि ये फैक्टर ही है उसके, और 16 में से 11 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। तो देखो दो नंबर मिल गए, 16 और कौन मिला, 11, ये 16 और 11, तो इन्हीं दो नंबर में हम इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो अब चलो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, कौन नंबर मिला, 11 और 15, क्या था, 16 और 11 था, मल्टीप्लाई करने पर 176 आएगा और 16 में से 11 माइनस करने पर 5 आएगा, स्प्लिट कर लो। तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस पी और 16 माइनस 11, जैसा अभी तक करते आ रहे हैं, पी लिखेंगे और इस नंबर को इन दो नंबर्स में स्प्लिट करके लिखेंगे, माइनस 176। अब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 16p, है ना, माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 11p माइनस 176, दो दो का पेयर करना है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, SCF p मिल रहा है, p से इसको डिवाइड करोगे p बचेगा, फिर माइनस p से इसको डिवाइड करोगे 16 बचेगा। यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग, 11 ले सकते हैं दोनों में,
11 ले लोगे तो 11 से डिवाइड करोगे पी आएगा, और 11 से इसको डिवाइड करोगे तो 16 आएगा। मालूम ही है 11 से 16 है ना, मल्टीप्लाई करने पर आ ही रहा है, तो यहाँ पे माइनस 16 हो जाएगा। फिर सब इन दोनों में से ये टर्म कॉमन है, दोनों में है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, पी माइनस 16 यहाँ बचेगा, पी माइनस 16, और इससे डिवाइड करोगे तो अगले ब्रैकेट में इस पी बचेगा ये वाला, फिर इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 11 बचेगा, ये सीख चुके हो है ना, तो ये हो गया इसका फैक्टर। ठीक, इस तरह से, इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो के सब में है, तो मैक्सिमम के और मैक्सिमम कोई नंबर एससीएफ बाहर लो, 3 देखो 3 है तो 3 एससीएफ है, बाहर ले लो। के कितना ले सकते हो, यहाँ 5 यहाँ 4 यहाँ 3, तो 3 ले सकते हो, तो के 3 बाहर ले लो। अब इन अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 3 ले लिया, डिवाइड करो के 3 से तो क्या बचेगा, के स्क्वायर ही तो बचेगा, 3 से 3 कटेगा, के 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, माइनस 3 से इसको डिवाइड करोगे 6, और के 3 से के 4 सिर्फ 1 के बचेगा, डिवाइड करेंगे तो है ना, फिर 3 से इसको डिवाइड करोगे तब 16 आएगा, माइनस 16 आएगा, और के 3 से के 3 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा। अब ये सिंपल हो गया, नॉर्मल जैसे यहाँ पे था है ना, एक्स स्क्वायर में 6x, सिंपल क्वाड्रेटिक हो गया। इसको वैसे ही करो जैसे अब तक करते आए हो, a इंटू सी कौन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर है वो a है, c कौन है, अकेला कांस्टेंट, तो माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 16, दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, और ये माइनस क्या कह रहा है, ऐड करने पर मिडिल टर्म डेट मीन 6 है, तो वो कौन है बताओ, मल्टीप्लाई करने पर 16 तो 8 है ना, 8 टू ज़ा मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, और 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिडिल टर्म भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल नंबर्स ऐसे मिल जाएंगे, जो बड़े नंबर होंगे उसके लिए हम लोग फैक्टर करके कर लेंगे। तब देखो यहाँ पे हो गया 3k² और इस बिग ब्रैकेट में मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, के स्क्वायर माइनस के और 8 माइनस 2 माइनस 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3k² और बिग ब्रैकेट में क्या हो रहा है, वही मल्टीप्लाई करो, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 2k माइनस 16 है ना, इसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें दो दो पेयर लेके करो, 3k² इसमें k कॉमन लोगे क्या बचेगा, k माइनस 8, फिर यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, दोनों में 2 है ना, दो दो का पेयर ही तो ले रहे हैं हम लोग, 2 लोगे तो 2 यहाँ पे क्या बचेगा, k माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसके लिए जगह नहीं बच रही है, स्पेस तो हम यहाँ करते हैं, अब इसको यहाँ कर देते हैं, तो समझ में आ गया है, इस जगह पे कर देते हैं। तो अब देखो इस बिग ब्रैकेट में फिर से वही ब्रैकेट वाले पार्ट कॉमन, 3k² और बिग ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट वाले पार्ट कॉमन हो जाएंगे जो दोनों में है, k माइनस 8 हुआ, और k माइनस 8 जैसे लिया तो k माइनस 8 इसको डिवाइड करेगा तो सिर्फ k बचेगा इस ब्रैकेट में है ना, ये हो गया k, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2, तो ये बिग ब्रैकेट के अंदर ये हो गया। टोटल कितने फैक्टर आए, 3k² और इस ब्रैकेट में के माइनस 8 और के प्लस 2, ये टोटल इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो अब इसी तरह से ये देखो इसको कैसे करोगे, तो तुम देख सकते हो इसमें भी तुम्हें कुछ कॉमन लेने पड़ेंगे, जैसे इसमें लिए थे हम लोगों ने, तो कॉमन क्या क्या लें, देखो b यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या लें फिर, c यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू है वही तो ले सकते हो, इससे बड़ा लोगे तो c डिवाइड ही नहीं होगा, तो मैक्सिमम c कितना ले सकते हो, b तो नहीं ले सकते क्योंकि b यहाँ नहीं है, तो तीनों में c कॉमन है, c पावर 3, तो c पावर 3 हम लोग यहाँ ले लेंगे, तो c पावर 3 से फिर क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे, जो कॉमन लेते हैं उससे सबको डिवाइड किया जाता है, इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, b² यहाँ बचेगा, फिर प्लस c से इसको डिवाइड करोगे तो 8 बी और c3 है तो c यहाँ डिवाइड करके c1 बचेगा है ना, फिर इसी तरह c3 से यहाँ डिवाइड करोगे तब 12 है, और c3 से करोगे तो c
स्क्वायर बचेगा, ये वैल्यू बचेगी, ठीक है। बट इससे कोई मैटर नहीं करता, तुम्हें बस a इंटू सी करना है, a इंटू सी करो बस। तो हम लोग a इंटू सी मतलब ये a मान लो, इसको c मान लो, तो a कितना है, a इंटू सी करके चेक करते हैं। तो a की जगह हम b लेंगे ना, आपकी बार नहीं सॉरी b नहीं, b के बगल में जो कोफिशियंट होगा, ये कौन होता है, क्वाड्रेटिक पावर के बगल में जो कोफिशियंट होता है, यहाँ वन है, तो b हो गया वन, a हो गया वन, c कितना हुआ, ये पूरी वैल्यू जो अकेली बची हुई है, क्योंकि हम लोग b को मान रहे हैं ना यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जैसे यहाँ वेरिएबल p था, x था, वैसे यहाँ पे हम लोग b को ले रहे हैं। तो अदर वैल्यूज जो होंगी उसे हम कांस्टेंट मानेंगे, तो ये पूरा कांस्टेंट है। दैट मीन्स 12c² कितना आ रहा है, 12c² तो इससे मतलब नहीं है क्या, बस ये सोचो कि 12y मल्टीप्लाई करने पर और स्प्लिट करने पर 8i, ये मिडिल टर्म आ जाए, वो कौन नंबर है, 6 2s, है ना, 6 2s 12 आ जाएगा, और प्लस आया है तो इसका मतलब ऐड करने पर मिडिल टर्म आ जाएगा, बस 6 और 2 में इसको तुम ब्रेक कर लो। तो ये हो गया c³, और यहाँ बिग ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी ये भी फैक्टर होगा, तो b² प्लस bc यहाँ लिखोगे और 8 को 6 और 2 में स्प्लिट करोगे, 6 प्लस 2 प्लस 12c², ठीक। अब इसको तुम्हें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करो सबको, तो ये c³ बिग ब्रैकेट में b² प्लस 6bc और फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2bc हो गया, ठीक, और यहाँ प्लस 12c², ये बिग ब्रैकेट में। अब दो दो का पेयर करना है, दो दो का पेयर, इसको हम लोग देखो यहाँ आगे करेंगे और उसके बाद करते हैं फिर इसको सॉल्व आगे, तो चलो इसको आगे करते हैं, इसे रेस करना पड़ेगा तभी एक सॉल्व होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो तुम्हें हो चुका है, चलो इसके आगे हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ तक पहुँचे थे, देखो ये है, अब बिग ब्रैकेट के अंदर दो दो के टर्म्स को हम लोग कॉमन करेंगे, c³ तो बाहर है, और बिग ब्रैकेट के अंदर यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, दोनों में क्या चीज़ है, b है, तो b मैक्सिमम ले सकते हैं, तो b कॉमन अगर हमने लिया तो b से डिवाइड करेंगे इसको, है ना, अंदर अंदर की बात हो रही थी, यहाँ b बचेगा प्लस 6c बचेगा, तो ये b बचा प्लस 6c। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं इस टर्म में, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो नंबर्स में 2 कॉमन है और लेटर्स में सी, देन 2c कॉमन करते हैं, और यहाँ क्या बचेगा, 2c से दोनों को डिवाइड करो, इसको 2c से डिवाइड करोगे b बचेगा, तो यहाँ b लिखो प्लस, इसको 2c से डिवाइड करोगे, 2c से 6 और c से 1c, 6c बन गया। अब ये दो टर्म्स के हो चुके हैं बिग ब्रैकेट के अंदर, ये एक टर्म ये, एक टर्म ये, दोनों में ब्रैकेट वाला टर्म कॉमन लेंगे बिग ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा, b प्लस 6c, ये वाला कॉमन मिला है ना दोनों टर्म्स में, ये ब्रैकेट वाला टर्म्स कॉमन मिला, ये हो गया। अब इसी से तो डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे तो नेक्स्ट ब्रैकेट में b बचा, प्लस फिर इसी से इसको डिवाइड कर दोगे तो 2c, ये हो गया फैक्टर। अब बिग ब्रैकेट हटा सकते हो, लिख सकते हो c³, और स्मॉल ब्रैकेट में b प्लस 6c, और फिर स्मॉल ब्रैकेट में b प्लस 2c, 3 फैक्टर हुए इस एक्सप्रेशन के, 3 फैक्टर फॉर दिस एक्सप्रेशन, देर आर 3 फैक्टर, 1 2 3, ओके डन। तो बस इसका हो गया, अब नेक्स्ट हम चलते हैं इन सब को करते हैं जो कि नेक्स्ट लेवल के हैं, और इन्हें इरेज कर देते हैं सो दैट वी कैन यूज़ द स्पेस, ओके।
से इरेज कर देते हैं। तो फर्स्ट वाला है देखो, यहीं पे करते हैं, देखो यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, 3k स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे पहले a इंटू सी करना है तुम्हें, ओके। तो a इंटू सी, a इंटू सी सेवन्थ को यहाँ पे कर रहे हैं। तो a क्या है, यहाँ देखो 13 है, के स्क्वायर के बगल में कोफिशियंट, और ये c है। तो सबसे पहले हम a इंटू सी देख लेते हैं कितना आ रहा है, a इंटू सी, और वो है 13 इंटू माइनस 6, 13 इंटू माइनस 6 -78 आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना होगा, इसी -78 का फैक्टर करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। तो ऐसे दो नंबर फाइंड करना जिनका मल्टीप्लाई करने पर 78 आए, और माइनस क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 37 आ जाए। तो यहाँ से तो नहीं फाइंड कर पाएंगे इसलिए, क्या करें, फैक्टर कर लें। तो 78 का फैक्टर कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा नंबर मिलता है, 3 और 9 2 3 6 1 2 9 18 3 13 देन 13 1, इन्हीं दोनों में कोई है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे 37 आना चाहिए। तो देखो 13 3 39 और 2 है ना, ये 2 है, 39 2 को मल्टीप्लाई करने पे तो आना ही है, सब्ट्रैक्ट करने पर आ भी जाएगा। तो कौन हुआ, 39 हुआ और 2 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो -78 भी आ जाएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म भी आ जाएगा 37। इन्हीं दोनों टर्म्स में हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो स्प्लिट कर लेते हैं, चलो यहाँ पे करते हैं या यहीं कर लेंगे, स्पेस कम पड़ेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया 13 k स्क्वायर प्लस 37 को हम लोग स्प्लिट करेंगे किस में, 39 माइनस 2 में, 39 माइनस 2 -6। अब k को दोनों से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बना, 13 k स्क्वायर 39 k मल्टीप्लाई हो गया, फिर k माइनस 2 से हुआ तो -2 k और -6, ओके। आगे दो दो टर्म हम लेंगे, 13 k, इसमें भी 13 13, k और k, तो 13 k ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, डिवाइड करोगे यहाँ 13 से तो k बचेगा सिर्फ, प्लस फिर 13 k से यहाँ करोगे तो k से k कैंसिल होगा, 13 से 3 टाइम्स ये आ गया। फिर अब यहाँ पे आओ, -2 दोनों में है तो -2, जब हम माइनस बाहर करते हैं तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो गया, 2 से 2 डिवाइड होके k बचा, यहाँ पे भी प्लस हो गया, 2 से 3 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ये हो गया फैक्टर। अब इन है ना, यहाँ का फैक्टर हो गया। अब टू टर्म्स हो चुके हैं, देयर आर टू टर्म्स, 1 और 2, इन दोनों में कौन सा टर्म है जो कॉमन है, दिख रहा है ये ब्रैकेट वाला टर्म कॉमन है, उसे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ कर देते हैं इसी में, तो ये वाला टर्म कॉमन हो गया, इसे हम कॉमन लेते हैं, k प्लस 3 कॉमन हो गया, तो k प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में किसको लिखेंगे, ये डिवाइड हो गया कैंसिल, 13 k माइनस है, माइनस लगाओ, फिर इससे इसको डिवाइड करोगे तो -2 बचेगा, फिर से है ना, सिर्फ -2 बचेगा, तो 13 k से इसको डिवाइड किया तो 13 k बचा, इसको डिवाइड किया तो -2 बचा, बस हो गया, ये दो फैक्टर हो गए, ठीक। तो 13 k माइनस 2 हो गया, डन। अब यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं, इसके लिए a इंटू सी पता करो, a कौन है, 2 है, c ये है। सबसे पहले हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, फ्रैक्शन वाला पार्ट हटा लेते हैं,
इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो ये क्या हो गया, एलसीएम लेना सबको आता है, 6 2 ज़ा ये हो गया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 5x होल अपॉन 6, ये तो एलसीएम हो गया, प्लस 1/12 बचा, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन वाला है उसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रैक्शन हटाएंगे। अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 होगा, 12 को 6 से डिवाइड करना है हमें, है ना। एलसीएम ले लेते हैं, चलो तुमको शो करके दिखा देते हैं, इन दोनों का एलसीएम 12 आया, 6 से 2 टाइम्स 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 24x स्क्वायर, इससे भी होगा, पूरे से मल्टीप्लाई होता है ना, जो यहाँ डिवाइड होके बचता है, 6 2 ज़ा हुआ 2 आया, ये 2 क्या होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 24x स्क्वायर, यहाँ माइनस 10x, फिर यहाँ प्लस लगाओ, 12 से एक बार जाएगा और एक वहाँ 1 से मल्टीप्लाई होके 1 ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो होल पार्ट में अपॉन 12 है तो उसको अलग कर लेंगे, 1/12 को अलग कर लो और ब्रैकेट के अंदर 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इसको लिख लो। अब ये देखो क्वाड्रेटिक बन चुका है, तो बस इसको पढ़े रहने दो, इसको फैक्टर करो जैसे अभी तक करते आए हो। इसको हम कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं चलो, या इधर करते हैं चलो, जगह नहीं उधर। तो अब इसके आगे से है ना, इसके आगे से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं चलो। तो 1/12 बाहर रहेगा, 1/12 बाहर, ब्रैकेट के अंदर a इंटू सी, अब हमें a इंटू सी चेक कर लेना चाहिए, है ना। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको लिख लेते हैं और a इंटू सी चेक करते हैं, a इंटू सी पहले, a इंटू सी क्या है, a क्या है, 24 एक्स स्क्वायर के बगल में 24, c ये है, तो 24 इंटू सी, सी मीन्स द कॉन्स्टेंट 1 इज इक्वल्स टू 24, तो प्लस आया है। तो ऐसा नंबर, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 24 आए और ऐड करने पर मिडिल टर्म दैट मीन्स 10 आए, तो वो कौन है, मल्टीप्लाई करने पर 24 और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो वो कौन सा नंबर है, तो सोचना है 6 4 ज़ा, है ना, 6 और 4, देखो 6 और 4 को तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा और 6 प्लस 4 करोगे तो मिडिल टर्म भी आ जाएगा, तो यही दो नंबर में हम इन्हें स्प्लिट कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फिर से 24x² माइनस एक्स और 10 को स्प्लिट करके, किसमें, 6 प्लस 4 में स्प्लिट कर लिया, प्लस वन हो गया स्प्लिट, ठीक है। अब इसको फैक्टर करो जैसे अभी तक करते आए हो, तो 1/12 और ब्रिक ब्रैकेट के अंदर 24x², अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो माइनस 6x, फिर माइनस 4x प्लस 1 ब्रिक ब्रैकेट के अंदर, फिर 1/12 ब्रिक ब्रैकेट के अंदर दो दो टर्म लेंगे, यहाँ 6 भी मिल रहा है, x भी मिल रहा है, 6 भी ले लिया, x भी ले लिया, तो एक ब्रैकेट बनाया, 6x को डिवाइड किया, 6 4 ज़ा, है ना, x से x गया तो x, माइनस 6 से 6, x से x पूरा कट गया तो 1 आया। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या है कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है जो दोनों में, तो 1 तो है ना, इसके बगल में देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 × 1 कह सकते हैं कि नहीं, उसी तरह यहाँ पे भी 4x × 1 कह सकते हैं कि नहीं, 1 यहाँ, इसके यहाँ भी कह सकते हो, माइनस माइनस है, फिर यहाँ 1 × 4 भी, ये भी कह सकते हो 1 × 4, 1 तो हमेशा हर जगह रहता है, तो इन दोनों में क्या ले लें हम, 1 कॉमन ले लें, तो माइनस 1 ले रहे हैं, देखो माइनस 1 ले रहे हैं, तो जैसे ही माइनस 1 लेते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस था, 1 से 1 डिवाइड होगा, 4 बचेगा, एक्स भी बचेगा, 1 से 1 डिवाइड हुआ, और साइन की वजह से ये साइन पॉजिटिव और ये साइन निगेटिव, तो यहाँ से 1 कट गया, 1 बचा, है ना, जो रूल है वही समझा रहे हैं, जो दोनों में है वो लेंगे उसी से दोनों को डिवाइड करेंगे, ये बनेगा, तो बस ये आ गया। अब 1/12 है ये, और बिग ब्रैकेट के अंदर देखो ये दो टर्म्स हो चुके हैं, इन दो टर्म में ब्रैकेट वाला टर्म एक जैसा है, तो उसको हम बाहर कर लेंगे, 4x - 1, और फिर इसी से इसको डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट ब्रैकेट में ये बचेगा 6x, फिर माइनस,
फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इस ब्रैकेट में 1 बचेगा, ये मिला। ठीक, अब इसको क्या करना है, 1 बाई 12 को दो पार्ट में, देखो यहाँ 4 और 6 है ना, वैसे दो पार्ट में तोड़ो कि वो 6 को काट रहा हो और 4 को काट रहा हो, कैंसिल कर रहा हो। तो हम लोग ले लेते हैं 4 और 3, इसको लिख लेंगे 1 बाई 4 इंटू 3, या फिर 1 बाई 4 ऐसे 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 3, ठीक है। और इसको हम लोग एक बार इसके साथ और एक को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 बाई 4 को 4 वाले के साथ, 1 बाई 3 को 6 वाले के साथ, क्योंकि 3 इसको कैंसिल कर रहा है। तो 1 बाई 4, 1 बाई 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 4x माइनस 1 के साथ, और देखो मल्टीप्लाई सब जगह है और तो सब जगह मल्टीप्लाई ही लगाना पड़ेगा। 1 बाई 3 किसके साथ हो रहा है, 6x माइनस 1 के साथ। तो यहाँ से जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 से मल है ना कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, फिर 1 बाई 4 इससे भी होगा, तो 1 बाई 4 वन ज़ा 1 बाई 4 आएगा यहाँ पर। फिर अब तुम यहाँ आ जाओ, 1 बाई 3 इससे होगा तो 3 टू ज़ा 6 2 आ जाएगा 2x, फिर 1 बाई 3 माइनस 1 से होगा तो माइनस 1 बाई 3 ये आ जाएगा। तो ये हो गया फैक्टर, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर हुआ ये, ठीक है। ऐसे करना है फ्रैक्शन वाले क्वाड्रेटिक। अब ये देखो आ रहा है फाइनली रूट वाला क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसको कैसे करते हैं तो चलो इसको समझते हैं। अब बस इससे डिफ़िकल्ट नहीं मिलने वाले, तो ये नोट कर लो और फिर इसे हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब इसे इरेज किया जाए, अब सब इरेज कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। हाँ तो देखो क्या करना है, a इंटू सी हर जगह करना है। तो पहले तुम इसका a इंटू सी चेक करो क्या है, देखो इसका हम a इंटू सी चेक कर लेते हैं फिर आगे करेंगे। तो देखो a क्या है, x स्क्वायर के बगल में जो कोफिशियंट है कोई नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है। तो a कौन हुआ, a इंटू सी, a की जगह कौन हुआ, 1 हुआ, 1 इंटू सी, सी कौन है यहाँ पे, द कॉन्स्टेंट 10, दैट मीन्स 10। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस आया है, इसलिए कहेंगे ऐड करने पर 6√2 आए। ये कैसे समझ में आएगा, रूट 6√2 कैसे आए। तो देखो 10 को हम फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे 10 को हमने फैक्टराइज किया, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा और फिर ये 1 वन ज़ा हो गया फैक्टर, ठीक है। तो कौन कौन फैक्टर है, 2 5 और 1। तो बस तुम्हें देखो अगर निकालना है तो क्या करना होगा, जो यहाँ पे है ना रूट टू उसको तुम्हें छोड़ देना है और बाकी दोनों नंबर के साथ उसे लेना है। जैसे ये रूट टू है ना, तो रूट टू को छोड़ के क्या बोलोगे तुम, इसमें तो अगर ब्रेक करना होगा तो कहोगे एक है 5√2 और दूसरा है 1√2। जो भी यहाँ रूट के अंदर है उसको अलग रहने दो, उसको अलग रहने दो और दो नंबरों के साथ उसको लो। दैट मीन्स ये रूट टू है ना, तो इसको क्या कहो 5√2 और इसके साथ 1√2। इसका मतलब वो दो नंबर कौन है, 5√2 हैं इंटू 1√2 हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पे देखो 10 भी आ रहा है और जोड़ने पे 6√2 भी आ रहा है। देखो 5√2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, रूट हट जाता है तो 2 आ गया, क्योंकि √2 रूट 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 आता है, √√ मल्टीप्लाई होता है, रूट हट जाता है, 5 टू ज़ा 10 आ गया। और इन दोनों को ऐड करो, 5√2 प्लस 1√2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, √2 को हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि ये लिखा हुआ है 5x प्लस 1x क्या आएगा 6x। उसी तरह से 5√2 प्लस 1√2 इसे हम क्या कहेंगे 6√2 है ना, ऐसे ऐड करते हैं। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, जब भी ऐसा मिले यहाँ √2 अगर है
तो इस नंबर को यहाँ जो मिले तो उसको छोड़े रहो, बाकी दोनों के साथ कहो फाइव। जैसे यहाँ पे मान लो रूट थ्री होता, अगर रूट थ्री होता तो हम यहाँ पे भी थ्री आ रहा होता, फिर हम कहते फाइव रूट थ्री और वन रूट थ्री ऐसे। अभी एग्जांपल मैं देखना पड़ेगा, बता देता हूँ एक क्वेश्चन और इससे। तो चलो क्या मिल गया हमको, फाइव रूट टू प्लस वन रूट टू स्प्लिट करने के लिए, है ना, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। तो अब स्प्लिट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह एक्स लिखेंगे, फिर इसको स्प्लिट करेंगे किसमें, ब्रैकेट फाइव रूट टू, फाइव रूट टू प्लस वन रूट टू, वन रूट टू मतलब रूट टू ही हुआ, वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्प्लिट हो गया। उसके बाद प्लस टेन, प्लस टेन हो गया। अब तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रूट टू एक्स, फिर प्लस रूट टू एक्स प्लस टेन। अब दो दो का पेयर बना लिया, अब देखो क्या कॉमन मिल रहा है इसमें, कुछ भी नहीं दिख रहा, एक्स है वैसे तो यहाँ पे तो एक्स है, एक्स है ना दोनों में, तो एक्स ले लेते हैं, एक्स एक्स लिया तो एक्स से डिवाइड किया तो ब्रैकेट में एक्स बचेगा, प्लस इस एक्स से एक्स डिवाइड होगा तो फाइव रूट टू बचेगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, ना तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक्स यहाँ नहीं है, रूट टू है, टेन है। तो ऐसे कॉमन देखने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि रूट टू की टेबल में कहीं ना कहीं तो टेन आएगा, है ना, रूट टू हम लोग ले सकते हैं, रूट टू यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रूट टू की टेबल, रूट टू की टेबल मीन्स ऐसे पढ़ो, रूट टू वन रूट टू रूट टू आएगा, है ना, फिर ऐसे रूट टू रूट टू ज़ा ऐसे आएगा, रूट फोर आ जाएगा, ऐसे करते जाओगे तो रूट टू और रूट फाइव ऐसे रूट टेन आएगा, ऐसे करते हुए जाओगे तो कहीं कहीं मतलब रूट टू की टेबल में तो ये टेन आ सकता है, टेन आ सकता है, तो हम लोग वही कॉमन ले लेते हैं और फिर देखो रेशनलाइज कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो रूट टू अगर कॉमन लेते हैं, चलो तो रूट टू कॉमन लिया अगर हमने, तो रूट टू से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो रूट टू से इसको डिवाइड करो तो रूट कट जाएगा, एक्स बचेगा, फिर टेन को रूट टू से डिवाइड करो तो देखो टेन अपॉन रूट टू। अब रूट टू से टेन को कैसे डिवाइड किया जाए, क्योंकि देखो एक चीज़ और तुम्हें ध्यान देना है, जब ऐसे दो टर्म होते हैं ना तो ब्रैकेट में जो आ रहा है वो यहाँ पर इस टर्म में जो ब्रैकेट में आया है और इस टर्म में जो ब्रैकेट में आया है एक जैसा बनना चाहिए, अगर एक जैसा नहीं बन रहा है तो तुमने कहीं मिस्टेक की है। तो यहाँ मिस्टेक नहीं हुई है, बस फॉर्म चेंज है, इसको अभी हम रेशनलाइज कर दें तो ये आ जाएगा इसके फॉर्म में। तो रेशनलाइज नाइन्थ के बच्चे जानते हैं, एट्थ के बच्चे तो अभी नहीं जानते, तो चलो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज मतलब टेन अपॉन रूट टू, कुछ भी रूट टू में अपॉन में यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लोग उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो रूट रूट मल्टीप्लाई होकर टू बनेगा, टेन रूट टू बना, टेन रूट टू, अब टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा रूट टू, तो क्या बन गया, फाइव रूट टू, ये आ गया फाइव रूट टू, ये आया। तो इससे इसको डिवाइड करने में क्या आएगा, फाइव रूट टू आएगा। तो देखो इसके जैसा बन गया। नेक्स्ट लाइन में हम लोग कर देंगे एक्स, एक्स प्लस फाइव रूट टू प्लस रूट टू, देन एक्स प्लस फाइव रूट टू, इसको रफ में करके दिखा देंगे कि तुमने रेशनलाइज किया है, ठीक है। अब हो गया, देखो दो टर्म हो चुके हैं, दोनों में ब्रैकेट वाला टर्म सेम है तो इसको बाहर ले लो, फाइव रूट टू ये हो गया। तो अगले ब्रैकेट में कौन बचेगा, इससे ये डिवाइड होगा एक्स बचेगा, प्लस फिर इससे ये पूरा डिवाइड होगा रूट टू बचेगा। तो देर आर टू फैक्टर्स फॉर दिस एक्सप्रेशन, ओके, दिस इज द फैक्टर। नाउ इसी तरह का एक एग्जांपल और करवा देते हैं ताकि तुमको समझा सकें कि ये वाला कैसे हम फाइंड करते हैं इसमें, ठीक है। चलो एक और करते हैं, चलो अब देखते हैं। जैसा कि हमने अभी बोला कि अब कुछ स्पेशल टाइप के दो हैं ना ये रूट वाले, रूट वाले में हम समझ नहीं पाते कि कैसे किया जाए, तो स्पेशल टाइप वाले दो और ले लेते हैं और इनको समझते हैं कि समझ लें कि कैसे हम ब्रेक करते हैं।
तो चलो देखो पहले ये है, देखो रूट थ्री एक्स है तो पहले ए इंटू सी करते हैं इसमें, ए इंटू सी, ए इज़ वॉट एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, दैट मीन्स वन है, वन इंटू सी, सी इज़ वॉट माइनस सिक्स, ये आ रहा है माइनस सिक्स। तो क्या करना है हमें, इसका फैक्टर करो और दो ऐसे नंबर ढूंढो। चलो फैक्टर करो इसका, सिक्स का फैक्टर करोगे, टू थ्री ज़ा सिक्स, थ्री वन ज़ा और फिर वन वन ज़ा, हो गया फैक्टर इतना, ठीक है। अब तुमसे कहा था दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आए और ऐड करने, ये क्या कह रहा है, देखो माइनस है तो कहेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर रूट थ्री आए, तो कैसे पता चलेगा, तो मैं अभी मैंने बताया था, देखो यहाँ रूट थ्री है ना, तो इसका मतलब तुम्हें किसके साथ हो लेना होगा, रूट थ्री को अलग कर लो, रूट थ्री को अलग कर लो, टू रूट थ्री बोलोगे और वन रूट थ्री बोलोगे, है ना, टू रूट थ्री और वन रूट थ्री, तो कौन सा नंबर है, टू रूट थ्री और कौन सा नंबर है, वन रूट थ्री, यही दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो छः आ जाएगा, रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, थ्री बनेगा, वन ज़ा तो वन वन ही आएगा, तो रूट थ्री क्या आएगा, थ्री आएगा, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिक्स, और ऐड करना क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, टू रूट थ्री में से अगर वन रूट थ्री माइनस करोगे तो कितना आएगा, टू वन रूट थ्री, वन रूट थ्री आया कि नहीं, वन रूट थ्री मतलब रूट थ्री, तो मिडिल टर्म आ भी रहा है ना, इसी में ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और उसको स्प्लिट किस में करेंगे, टू रूट थ्री और वन रूट थ्री में, टू रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री, वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए लिख दे रहे हैं सिक्स, ठीक है, ये हो गया स्प्लिट हो गया, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये स्प्लिट हो गया और माइनस सिक्स, अब क्या करो मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस रूट थ्री एक्स, वन रूट थ्री एक्स मतलब रूट थ्री एक्स, रूट थ्री एक्स माइनस सिक्स, अब दो दो के पेयर, या एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लिया ब्रैकेट में, एक्स से एक्स डिवाइड हुआ, एक्स माइनस टू रूट थ्री हुआ, यहाँ पे क्या कॉमन लें, फिर से वही रूट थ्री है दोनों में जैसा अभी समझाया था, यहाँ पे हम रूट थ्री कॉमन ले सकते हैं, तो रूट थ्री से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा, रूट थ्री से माइनस सिक्स को डिवाइड करेंगे तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रेशनलाइज करो, सिक्स बाई रूट थ्री को रेशनलाइज कैसे करेंगे, रूट थ्री से ही मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या हो गया, सिक्स रूट थ्री हुआ और अपॉन में क्या आया, रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, रूट नाइन मीन्स थ्री, शॉर्ट में बोलते हैं रूट हट जाता है, तो थ्री वन ज़ा थ्री टू ज़ा, तो क्या बन गया, टू रूट थ्री बना ना, कैंसिल हो गया सिक्स, कैंसिल कर दिया, टू रूट थ्री, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या आया, एक्स एक्स माइनस टू रूट थ्री और यहाँ पे रूट थ्री और यहाँ भी आ गया एक्स माइनस टू रूट थ्री, टू रूट थ्री, अब दो टर्म्स हो चुके हैं, दोनों टर्म में ब्रैकेट वाला टर्म कॉमन है, उसे हम कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस टू रूट थ्री कॉमन ले लिया, इससे अगले ब्रैकेट में क्या होगा, इससे ये डिवाइड होगा, एक्स बचेगा, प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ, फिर इस टर्म में इसको डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करके कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा, रूट थ्री, ये हो गया फैक्टर। सिमिलरली चलो उसमें ढूंढते हैं, उसके बाद यहाँ पे पहले क्या करें, ए इंटू सी करें, ए इंटू सी, तो ए इंटू सी क्या है, ए इंटू सी यहाँ कौन है, ए वन है, सी क्या है, माइनस ट्वेंटी फोर है, माइनस ट्वेंटी फोर, तो आया माइनस ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर को फैक्टराइज करेंगे, है ना, टू ट्वेल्व, टू सिक्स, टू थ्री, थ्री वन, है ना, और वन, अब देखो ट्वेंटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूट थ्री है ना, तो तुम्हें रूट थ्री को अलग रखना है ना, इसी को रूट थ्री बना भी लें चाहे तो, समझने के लिए रूट थ्री अलग कर दो, और क्योंकि अब दो ही नंबर हैं, देखो फोर है, फोर, ये फोर और ये टू, तो क्या हो सकता है, फोर रूट थ्री और टू रूट थ्री, ये दोनों मिलके बना देंगे, फोर रूट थ्री टू रूट थ्री, फोर रूट थ्री में से टू रूट थ्री जाएगा, टू रूट थ्री आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ट्वेंटी फोर आएगा, हम चेक कर सकते हैं, तो कौन मिला हमें, फोर रूट थ्री और
सब्ट्रैक्ट करना है ना, माइनस साइन कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है, और मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए। तो 4√3 और 2√3 क्या हो गया, देखो 4 2 8 हुआ है ना, 4 2 8 हुआ, √3 √3 मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 3 हट जाएगा और देखो 24 आ जाएगा। तो यही दोनों सही हैं, समझ में आ गया। जो चीज़ यहाँ है उसको रूट में रख लो और बचे हुए नंबर्स को उनके साथ पेयर बनाओ। दो ही तो हैं अब, दो भाई कुछ भी करोगे तो दो ही नंबर तो लेना है। अब ये थोड़ी कि 2√3 2√3 2√3 तीन बार क्यों लोगे, दो ही तो लेना है। तो एक 4 बन रहा है और एक 2 बन रहा है, 24 आ गया। अब देखो इसमें सब्ट्रैक्ट भी करके वही आएगा, 4√3 में से अगर 2√3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा, मिडिल टर्म भी आ रहा है। तो बस यही दो नंबर हैं, तो आगे कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ब्रैकेट में स्प्लिट करो 4√3, रूट इसको स्प्लिट करेंगे 4√3 इसकी जगह पे ये लिखेंगे माइनस 2√3 माइनस 24। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 2√3x माइनस 24। अब दो दो का पेयर, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स एक्स कॉमन मिल रहा है, डिवाइड हुआ एक्स बचा, यहाँ डिवाइड हुआ 4√3 बचा, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन। अब क्या लेंगे बताओ, क्या ले लें कॉमन, तो हमें पता है कि हमें क्या लेना चाहिए, 2√3 क्योंकि इसके जैसा बनना है। तो 2√3 कॉमन लोगे तभी तो 2√, जो कॉमन लोगे उससे इसको डिवाइड कर दोगे तभी तो एक्स बनेगा। इसको भी हमेशा ध्यान देते रहेंगे कि नेक्स्ट ब्रैकेट में जो पहले बन चुका है वैसा बनना चाहिए। तो माइनस हम क्या ले लें, 2√3 ले लें। तो 2√3 जो भी कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं तो एक्स बन गया, इसके जैसा तो बन गया, अब इसके जैसा बनना ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 24/2√3 बनेगा, जो कि ऐसा नहीं बन रहा है। ऐसा कब बनेगा, जब हम रेशनलाइज कर देंगे, जैसे यहाँ रेशनलाइज किए थे, है ना, ये जो रेशनलाइज करते हैं। तो पहले इसको कर लेते हैं जो जो हो रहा है। देखो 2 से तो कट जाएगा, 2 6 2 12। अब आगे लिख लेते हैं इसको, एक्स एक्स प्लस 4√3 और माइनस 2√3 और ब्रैकेट में एक्स माइनस 12/√3। तो अभी प्रॉब्लम है कि ये ब्रैकेट इसके जैसा नहीं दिख रहा है, तो वो कब दिखेगा, जब इसका हम रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज कर दो यहाँ पे, है ना, यहाँ रेशनलाइज कर देते हैं। कहाँ किया जाए, इधर कर देते हैं इस तरफ। तो देखो 12/√3 को रेशनलाइज मतलब क्या करें, रूट थ्री से ही ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो क्या बन गया, 3 रूट रूट हटा 3 और ये बचा 12√3, 3 1 3 4 जा, तो 4√3 आ गया। 4√3 वहाँ रख देंगे, इसके जैसा बन जाएगा। तो एक्स एक्स प्लस 4√3 माइनस 2√3 ब्रैकेट में एक्स माइनस, इसकी जगह क्या आया, 4√3। यहाँ माइनस नहीं होगा, देखो माइनस बाहर लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, यहाँ प्लस, तो ये हो गया 4√3। अब दो टर्म्स हो चुके हैं, दोनों टर्म में ब्रैकेट वाला कॉमन है, तो एक्स प्लस 4√3 कॉमन लिया, ब्रैकेट वाला टर्म है ना, ब्रैकेट वाला टर्म कॉमन है दोनों में। तो अगले ब्रैकेट में कौन बचेगा, इससे ये डिवाइड होगा एक्स बचेगा माइनस, फिर इससे ये डिवाइड होगा तो माइनस 2√3 बचेगा, है ना। जो भी लेते हैं उससे दोनों टर्म को डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया फैक्टर, ये आ गया फाइनली इस एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टर। तो ऐसे करना है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जितने टाइप के फ्रैक्शन, जितने टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं वो सारे हम लोगों ने कर दिए, इससे डिफ़िकल्ट नहीं मिलने वाला। ओके okay?